विधानसभा चुनाव के लिए नवसृजित जिले डीडवाना कुचामन से 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दल डीडवाना के मॉडल स्कूल से रवाना हुए। इससे पहले मतदान सामग्री का वितरण सुबह 9 बजे से किया गया। नागौर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव और डीडवाना कुचामन में कलेक्टर सीताराम जाट ने आज सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों ने मतदान दलों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना करते हुए दलों को शुभकामनाएं भी दी और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की अपील की। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में जिले की सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदान केंद्र दिव्यांग और एक एक मतदान केंद्र युवा प्रबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए आज महिला और दिव्यांग कर्मिकों को भी मतदान दल के रूप में रवाना किया गया। नवगठित जिला डीडवाना कुचामन में 5 विधानसभा क्षेत्र है। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम बार यहीं से डीडवाना से ही 5 विधानसभाओं के मतदान दल उनकी रवानगी हम कर रहे हैं। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है, बहुत अच्छे से पूरी कर ली गई है। इनको प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है, आज भी सुबह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ में मतदान से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है, EVM VVPAT है, साथ में इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड जो इंक वगैरह है या मार्क्ड कॉपी है इलेक्ट्रोल की या टेंडर्ड बैलेट्स है या इलेक्शन एजेंट्स के स्विसमैन सिग्नेचर वगैरह सारी जो भी रिक्वायर्ड लिफाफे वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से इनको बताया गया है ताकि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मतदान हमारे ज़िले में सम्पन्न हो सके। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मतदान के लिए हमने माकूल पुलिस व्यवस्था भी की है। हर पोलिंग स्टेशन पे कोई न कोई पुलिस पर्सनल अवेलेबल है और साथ में अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग विधानसभाओं में मोबाइल पुलिस पार्टीज और सेक्टर और एरिया मजिस्ट्रेट भी इसमें लगाए गए हैं। तो हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है मेरे को कि इस नए जो जिला हमारा नया डीडवाना कुचामन इसमें बहुत ही फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मतदान होगा। आज हम इन मतदान दलों की पूरी तैयारी हो गई है, अभी इनको प्रशिक्षण भी दे दिया है, सामग्री मुहैया कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है, इनको चेक करा रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ से रवाना करेंगे। हर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टीज के लिए बसों का इंतजाम किया गया है, बसों को अलग अलग सेक्टर्स में पार्किंग की गई है, वहीं से बिठा करके EVM को यहीं से पुलिस सुरक्षा के साथ में बसों में रखवाया जाएगा पार्टी के साथ में। और जैसे ही पार्टियाँ पहुँचेगी बीच में चेक पोस्ट वगैरह लगाई गई है, वहाँ पर भी इनकी रिपोर्टिंग होगी और पहुँचते ही हमारे पास सूचना आएगी सब कुछ हम पहुँच गए, तो ये सारे माकूल इंतजाम कर दिए गए हैं।